नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो फनी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक का पार्ट 3 है। तो चलिए सबसे पहला मिस्टेक देख लेते हैं। इस मिस्टेक को देख के लगता है कि जो मिस्त्री, लेबर और कारपेंटर थे वो भांग खा के आए थे। जो इस तरह की सीढ़ी बनाए हैं जिसपे ना ही चढ़ा जा सकता है ना ही उतरा जा सकता है, बस इसको देख के हंसा जा सकता है। आज भी मकान मालिक ठेकेदार को ढूंढ रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। इसके बाद हम अगला मिस्टेक देख लेते हैं। इस मिस्टेक को देख के लगता है कि ठेकेदार की मकान मालिक से कोई दुश्मनी थी, जो इस तरह का झूला बनाया है, क्योंकि अगर इसमें झूला झूलने के लिए अगर बैठेंगे तो या तो पैर टूटेगा या सर। इस काम के लिए मकान मालिक ठेकेदार का पेमेंट आज भी रोक रखा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट। इसके बाद आगे हम मिस्टेक देख लेते हैं। इस मिस्टेक को देख के लगता है कि मिस्त्री के दिमाग में पोलियो हो गया था, जो इस तरह से अपाहिज सीढ़ी बनाया है। ये सीढ़ी तो अपने पैरों पे ही खड़े नहीं हो पाया है, तो दूसरों को कैसे ऊंचाई पे पहुंचाएगा। अब जब भी ठेकेदार मालिक को फोन करता है पेमेंट के लिए तो मालिक कहता है इसके बाद हम अगला मिस्टेक देख लेते हैं। इस मिस्टेक को देख के लगता है कि ठेकेदार ने मिस्त्री को इस कॉलम को जुगाड़ से बनाने को कहा होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जुगाड़ के चक्कर में मिस्त्री इसमें टेप लगवा दिया। लगता है ठेकेदार मार्केट से नया नया मिस्त्री लाया था। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसके बाद हम अगला मिस्टेक देख लेते हैं। इसे देख के लगता है कि मिस्त्री को मोतियाबिंद हो गया था, क्योंकि जो स्टेप ऊपर बनाने चाहिए वो स्टेप नीचे बना दिया और बिजली के खंबे का भी ख्याल नहीं रखा। इस सीढ़ी से ऊपर जाने वाला आदमी तो ऊपर ही निकल लेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपने जाना कि मकान बनाने के लिए ठेकेदार के साथ साथ एक अच्छे सिविल इंजीनियर की भी जरूरत होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।